काश कुछ ऐसा अपने तरानों में भरते बहारों सा हर दिल की राहों में। कमाल के डांसू और मेरे जैसा कमाल का होस्ट शेकिंग का शहंशाह शेखर ग्रोवर। और अब एक जरूरी सूचना, जिसने भी जिम से गायब किया मेरा तौलिया लौटा दो वरना बदल दूंगा हुलिया। यार कितना अच्छा लगता है ना स्टूडियो में, अपने सपनों की दुनिया। हाँ यार, ओ तेरी मम्मी यहीं पे है। ओके थैंक्स। ले हो गई अपने सपनों की दुनिया। ओ हेलो एसपी साहिबा, क्या बात है। किसी लफंगे को अगर सीधा करना है तो बोलिए, मैं हेल्प कर दूंगा, यू नो शौक से। उसकी कोई जरूरत नहीं है, लफंगों को मैं हवालात में बंद करके खुद ही सीधा कर देती हूँ बिजली के शौक से। समझा। मम्मी आप यहाँ पर क्यों आए मुझे एम्बेरस करने? तुम्हारे बचपन के पॉटी के डायपर्स याद आ गए, सोचा बदला ले लूं। तुम क्यों इतना जोर से हंस रहे हो, तुम भी तो 6 साल तक चड्डी गीली कर रहे थे। आंटी प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, सब सुन लेंगे। तुम्हारे अलजीब्रा के सर का लेटर आया है, तुम टेस्ट में फेल हो गए हो। क्या? मैंने तुम्हें क्या कहा था, शर्त याद है ना, पहले पढ़ाई बाद में डांस शो। तो मम्मी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। लेकिन तुम्हें औरों से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी नील। करता तो हूँ। देखो बेटा तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सफलता ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगली टेस्ट में तुम्हें बहुत इंप्रूवमेंट करना होगा, नहीं तो इस डांस शो से आउट। नील मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ, समझ रहे हो ना? एक्सक्यूज मी मैडम, बड़े जल्दी जा रही हैं आप, कुछ कॉफी पीने चलेंगी आप? गाड़ी है तुम्हारे पास? ऑफ कोर्स। कौन सी? ब्लैक स्पोर्ट्स का, यू नो। नो पार्किंग में खड़ी थी तो करवा दी है मैंने, आ जाना कॉफी पीने पुलिस स्टेशन। मैडम वो ये नील रुक, कैसा गया तेरा एलजेब्रा का टेस्ट? यार तेरे को एक बात बताऊं, अरे मेरे बगल में जो बंदा बैठा था ना यार, वो पेपर लिखते लिखते सो गया। सच? फिर भी उसके मेरे से ज्यादा मार्क्स आए। ऐसा दिखता है 35%, मेरे का भी नहीं है। मजाक बंद कर यार, अगले टेस्ट में अगर 60 नहीं मिले ना तो मम्मी शेक इट अप का पैकेट अप करवा देगी। तब आके प्रैक्टिस कर यार, 60 क्या 65 ले आएगा। इतना आसान नहीं है, मैथ्स मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है यार, जैसे तेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है कुछ भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, मेरा वीक सब्जेक्ट है एम्ब्रॉयडरी। हाँ रुक, धीरज से काम लेने का। ए धीरज, नील को मैथ्स ट्यूटर चाहिए। बोली तो मैथ्स ट्यूटर, रुक अपुन को अपुन का बैग में देखने दे। बुक क्रिकेट ट्यूशन, मक्खी मारना एक्सपर्ट। साप साप जीनी, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैथ्स ट्यूटर विशाल बुद्धि राजा। छी कितना बोरिंग नाम है, विशाल बुद्धि राजा। अबे नाम से ही पता चलता है कोई खड़ू संकल है। कॉलेज का बंदा है, कॉलेज का बंदा। ए धीरज कॉलेज स्टूडेंट है, मतलब लेटेस्ट म्यूजिक गर्ल्स इंट्रो है ना। दे दे यार, दे दे धीरज प्लीज प्लीज बेटा। विशाल बुद्धि राजा। सिस्टर वो ना सैड क्यों है जी? सैड कैसे नहीं होना जी, फ्रेंडशिप डे है, सब बॉयज गर्ल्स एक दूसरे नु फ्रेंडशिप बैंड ते बलून देंदे हैं। साडा कोई खास दोस्त नहीं है जी, सानू ट्रीट शीट देने वास्ते। ओ जी मैं तुम्हारा ब्रो, मैं है ना ओ, मैं लेके जाऊंगा ना ट्रीट शीट ते, ओ मैं दूंगा बलून। नहीं मेनू असली ट्रीट चाहिए दी, असली बॉय दे साथ। पैसा बोलता है यार, फिर क्या जय तो नहीं ढूंढ रहा था जी। जो
काफी चमक रहा है तू तो। ये तो शूज एक नंबर है यार, कितने में देगा? ओ मेंटल चेंटल हो रहे हो जी, कुछ मेरे को नहीं बेचने। और अगर अपन पंजा लड़ा के जीत गया तो? और अगर मैं जीत गया तो तेरी जैकेट मेरी दूंगा, पक्का दूंगा, उसमें रखा रिचार्ज कार्ड भी दूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री ले ले। योगी तू तो जीतने ही नहीं वाला है। बैठ बैठ बैठ, मैं एम्पायरिंग करता हूँ। रेडी, 1 2 3 गो। तेरी तो बजा दी। लूजर ओ लाद दे अपनी जैकेट, इसे काट के ना अपनी पैंस गुड्डी के लिए ना तौलिया बनाऊंगा मैं, तौलिया। ठहर जा, अपन तैयार नहीं था। क्यों, 1 2 3 नहीं सुनाई दिया? और चल छोड़ यार, वो काम की बात करते हैं। तुहानू मेरी सिस्टर कैसे लगती है? बहुत ही अजीब है, पर उसके बाल बहुत अच्छे हैं। ओ जी बस यही सुनना था जी। ओ जी फ्रेंडशिप डे पर उसे कहीं ट्रीट शीट पे ले जाओ ना। उसको 1,00,000 रुपए दे तो भी नहीं। ओ जी यार तू रख यार, तू 100 रुपए रख। मंजूर है। ओए लूजर, और तू कितने जा रहे हैं? अपनी जैकेट तो देके जा, वो अपनी गुड्डी पैस वास्ते टावल जो बनाना है। लग रहा हूँ ना एकदम कूल। एक्चुअली वो तुझे मैथ्स पढ़ाने आ रहा है, तेरे साथ पार्टी में जाने नहीं। यार पढ़ाई वढ़ाई तो बात की बात है, कॉलेज का स्टूडेंट है यार, लेटेस्ट बाइक लेटेस्ट म्यूजिक के बारे में बताएगा। और कॉलेज में आजकल क्या सीन चल रहा है ये भी तो जानना जरूरी है। गर्ल्स से इंटरव्यू मिलेगा। हाँ, जैसे कि गर्ल्स से मिलके तू अलजेब्रा में 60 ले आएगा। यार यश, बड़ा सोच रहा सीन। हमेशा छोटी सी प्रॉब्लम लेके अटक जाता है। सही बोला था तूने, छोटा सा ही प्रॉब्लम है। हाय ड्यू। हाय, मैं विशाल बुद्धिराज, तुम्हारा मैच ट्यूटर। शायद कोई गलती हो गई, मैंने तो कॉलेज स्टूडेंट एक्सपेक्ट किया था। मैं बीएससी ऑनर्स कर चुका हूँ, अब आगे आईआईटी करूँ या एमबीबीएस करूँ डिसाइड नहीं कर पा रहा। और तुम? मैं यश, इसका बेस्ट फ्रेंड। वेरी गुड, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। एक मिनट, मुझे तेरा ट्यूटर बहुत पसंद है, क्या पता है तुझे गर्ल्स से भी मिला है, सेकंड स्टैंडर्ड की। कुछ पियोगे? हाँ, पंचमोल और तिफड़ा का काढ़ा। क्या? मस्तिष्क को तेज रखता है वो, नहीं तो H2O सही। नहीं समझा। ये बताओ तुमने मैच में कठिन आई? क्या कर रहे हो? मेरे फोन वापस करो। खुशी से। ये क्या कर दिया तुमने? लॉक कर दिया। और तुम्हारा पासवर्ड है अलजेब्रा का एक प्रॉब्लम, सॉल्व करो और मोबाइल एक्टिवेट कर लो। ओके ओके, x square x minus y x upon y 555। अभी तो मैंने तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं दिया। देख भाऊ, बोलो तो रीमैच बनता है। उस दिन ना अपुन रेडी नहीं था, मेंटली रेडी नहीं था। चलो भाई फिर हो जाए, और पहले तेरे को चबाऊंगा फिर इस बर्गर को। अब तेरे पास कौन सी घटिया चीज हारने के लिए भाई? अबे तू जीत ही नहीं सकता। चल शर्ट की लगी। ओ यार शर्ट तो एवी है। और चल कोई गल नहीं, अपने टॉमी कुत्ते दे उत्ते मस्त दिखेगी। और चल हो जाए फिर। हाँ हाँ हो जाए चल। और रेडी शेट्टी तो है ना? हाँ 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 आ जा। और चलो हो जाए फिर। 1 2 3 गो। अरे मच्छर, वो अपने टोमी कुत्ते के ऊपर मस्त दिखेगी। और तू ले 2 चम्मच घी वो ऐदे वास्ते। और टोमी ला रहा मैं तेरा डाइपर। की गले जल्दी बोल,
साड़ी पैस गड्डी नू ला रही हूँ। मेरे साथ फ्रेंडशिप डे ट्रीट पे चलोगी? वो ये कैसा तरीका है पूछने का? मेरे डैडी जी के लिए कुकर शिकर लाया। कुकर? ओए कुकर शिकर तो मजाक कर रही थी, बस आधे घंटे तक मेरे डैडी जी के संग दंड पेलने होंगे। ट्रीट पे चलना है तो बोलो, अपने फैमिली अखाड़े वखाड़े में प्लीज शामिल मत करो। शामिल होगा भी कैसे, मच्छर। 7 बजे रेडी रहूंगी। ठहर जा गुड्डी, मैं आई। अब एक्स को सब्स्टिट्यूट करो और तुम्हारा आंसर है 32। वाकई है 32 बहुत अच्छा नंबर है। अलजेब्रा जब मैं 3 साल का था तब पहली बार सीखना शुरू किया। नहीं सिखाना। ये एक्स वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सीख के क्या करूंगा यार, मुझे थोड़ी ना अलजेब्रिस्ट बनना है। तो क्या बनना है तुम्हें? डांसर। अब ऐसा करो, मुझे कोई सिंपल सा स्टेप सिखा। 1 2 3 and turn 5 6 7 repeat 1 2 3 and turn 5 6 7 repeat। देखा, बहुत सिंपल है, पूरे 16 beat का स्टेप है। अच्छा वो जो तुम अब कर रहे थे वो थी गी गी गिनती। हाँ, और गिनती होती है मैम मैम मैच में। हाँ मतलब मैं डांस करते करते मैथ्स करता हूँ। ये पृथ्वी पे चला दिया एक और दिमाग की बत्ती। वाव, तुम तो आज बिल्कुल नॉर्मल लग रही हो। तो सीबी जी, तो कहाँ जाना है? ओ जी, बड़े दिन से ना मेरा मन है कि कोई तबेला देखन जाए। वो गोबर दी महक। 30 सेकंड में नॉर्मल से फिर से अजीब। चलो। मैं देख रहा हूँ मम्मी। हाय, कैसे हो चैम? ठीक हूँ जंपू, नील भैया को थोड़ी देर लगेगी। गेम्स खेलता है? थोड़ा बहुत, इंटर कॉलेज चेस टीम को ट्रेन करता हूँ। चेस? मैंने अभी 2 इंडियंस को मारे। गेम्स खेलेगा? ऐसी गेम्स मैं नहीं खेलता, सिर्फ क्रिएट करता हूँ। इसमें जो .NET का प्रोग्राम और फायरवॉल है वो मैंने क्रिएट किया है। की तो कोल्ड कॉफी में भी पूरी गाय का दूध है जी। म्यूजिक कैसा लग रहा है? ओ जी ये म्यूजिक, ओ ये तो मैं अपने खेतों में चलान दे पैसों नु सुलाने दे वास्ते। तुमसे क्या बात करूं? चलो डांस करते हैं। ओ जी तू तो बड़ा चंगा डांस करता है। तो चलो। ओए नहीं जी, मैं तो सिर्फ जोधे संग डांस कर दी हूँ, अदर बॉयज दे संग नहीं। शेखर सर जी, शेखर सर जी, सर जी आपका मैसेज मिला। ओ जी पर रिहर्सल तो अभी तक शुरू नहीं हुई है जी। मकड़ा फंस गया जाल में। जेदू क्या बोल रहा है, मकड़ा तो जाल बनाता है और उसमें फंसती है मक्खी। ओ हाँ, बोले तो अपन का मिस्टेक हुआ। तू एक काम कर, तू वापस जा, वापस जा।
फिर से एंट्री ले, अपुन फिर से अपना डायलॉग बोलेगा। ओए धीरज से काम ले धीरज, पहले तेरी टी शर्ट और जैकेट जीती थी और अब तेरी पैंट भी निकलवा के रहूंगा कोट बनाने वास्ते अपने डॉगी की। नहीं 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 नहीं, देख इस बार कैसे अपुन तेरी पैंट जीतेगा और वापस तेरे ही मुंह पे मार देगा। तेरी पैंट बहुत घटिया है रे। हो जा। 1 2 3 ओए सच, आज तो बड़े मजे आए। थैंक्स जय, वो मेरे लिए इतनी अच्छी प्राइज भी जीती। एक्चुअली मैंने भी काफी एंजॉय किया सच में। ओए जो ने अच्छा किया ना, जो तुआनु पैसे देके पटा लिया। तो तुम्हें मालूम है उसके बारे में? ये लो वापस कर देना। ओए ना जी रख ले, मारे साइड मेहनत दी कमाई नु कभी नहीं दिखाते जी। नेक्स्ट टाइम फिर से ट्रीट पर लेकर जाऊंगा बिना रिश्वत के, चलोगी? देखो जी हम दोनों में कितना फर्क है, मैं छिलमिल ते तू पिलपिल, ओ जी मैं लड़ाकी ते तू डरपोक। फिर भी सोचना। ओ कितना स्वीट मुंडा है, एले झप्पी। चल कोई गल नहीं, मैं जरूर सोचांगी। मैं भी थोड़ी देर हो गई। एलिस का थोड़ा ग्रीन खून बाहर के, ये कर क्या रहे हो? यो नील एक सेकंड। देख आयुष ये तूने क्या किया, तूने मेरे मैथ्स ट्यूटर को भी बिगाड़ दिया। नहीं अभी बिगड़ा नहीं है। यश जरा पॉपकॉर्न बनाना। और अब बिगड़ गया। क्या करूं यार, जब तक ये था तब तक मेरे मार्क्स इतने इंप्रूव हुए थे कि मेरे टीचर को लगता था मैं चीटिंग कर रहा हूँ। पर यार अब मेरा मंडे को टेस्ट भी है और इसके बिना कैसे मैनेज करूंगा यार। टू लेट, अब हमारा हेयर स्टाइल भी एक जैसे, अब कोई हमें अलग भी नहीं कर सकता। अब मैं फेल हो जाऊंगा और मम्मी मुझे शो से निकाल देगी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। मुझे नहीं लगता तुम्हारे बस की बात है। अबे चंपू भले ही मैं तेरे जितना जीनियस नहीं हूँ लेकिन मैथ्स में फिर भी 95% लाता हूँ, तू चिंता मत कर। एक्सपीरियंस है डिस्लेक्सिक्स को पढ़ाने का। डिस्लेक्सिक? कौन है डिस्लेक्सिक? नील। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे भाई को भी डिस्लेक्सिया है, उसे पढ़ाना जानता हूँ इसलिए तुम्हें पढ़ाना जानता। क्या हुआ नील? सर भीम कर, सर भीम कर। यस। एलियंस तो क्या? आज तूने एक बड़े लड़के को हिला दिया। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये डिस्लेक्सिया वाली बात? शर्म आती थी यार। शर्म किस बात की, मैं तो तेरी सारी सीक्रेट जानता हूँ ना। 7 साल की उम्र तक तू बॉटल से दूध पीता था और 2 साल पहले तुझे उस हीरोइन का क्रेज हो गया था जिसका पोस्टर तूने अपनी अलमारी के अंदर लगाया था। तू नहीं समझेगा और वैसे भी तू तो पढ़ाई में भी अच्छा है और तेरे तो कोई सीक्रेट्स भी नहीं है। है ना, कैसे नहीं है, शर्म के मारे कभी बताए नहीं। अच्छा तो गलत ने सारे सीक्रेट्स बचपन में ना, मैं मेरे नाक के लड्डू बनाकर ना बॉक्स में रख के जमा करता था। यक। और बोल। मुझे बुनाई आती है। स्वेटर बुनता था गोचू। और कुछ? सैड मूवीज में ना अंधेरे में रोता भी हूँ। तू इतना बड़ा कद्दू है। अगर तूने ये खबर स्कूल में छापी तो देख लेना। अरे नहीं यार, ये हम दोनों दोस्तों के बीच की बात है। शपथ शपथ। 1 2 3 4 5 13 आओ। और हाँ ये रही छापने वाली खबर, मेरा भाई टी को फ्रेंडशिप डे के ट्रीट पे लेके गया यार। सीरियसली? हाँ। ए मेंटर, तू ये चट्टी बनियान में किधर घूम रहा है? याद मत दिला यार, बोले तो अपुन अपना सब कपड़ा विपड़ा हार गया। वो मंजोत है ना, वो अपुन का सब कपड़ा विपड़ा है ना, वो अपने बकरी और गाय के लिए लेकर गया। वो तो गनीमत है कि मुझ पर तरस खाकर मेरा चड्डी लौटा दिया। चड्डी? वरना अपुन तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहता यार।
तगड़े बॉयज कैसे बनते हैं? अगला पॉइंट, पार्क में हमेशा स्लाइड पे आगे से चढ़ते हैं। स्लाइड पे आगे से। क्वेश्चन, अगर तू बैठ के पालक साग खा रहा है, अचानक भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए? भागना चाहिए। ओफो, तेरा सवाल था। तगड़े बॉयज कभी साग नहीं खाते हैं यार। अगला पॉइंट, कभी सीरियस नहीं होना चाहिए। सीरियस नहीं होना। ओफो, हर बार इतनी सीरियस लेगा तो तेरा खुद नहीं होगा। चल दे। मम्मी, क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? मुझे 60% नहीं मिले। क्या? बट मुझे मिले 65%। सच? 65. मम्मी, प्लीज बस करो। क्या हुआ? मैं अभी भी अच्छा डांस कर सकती थी। नहीं, आप डांस कर रही थी, मुझे लगा करंट लग गया। शट अप। चबन चबन मेरी बच्ची। वेल डन। 65 65 65। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, और पढ़ाई करनी है, समझे? 65 65 65 65। यकीन नहीं आ रहा यार। 65 65 65 65 65 65।